हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने वीडियो बनाई है एमपीपी करप्शन एंड ओवर बिलिंग के ऊपर। उसमें अब तक मैं लगभग 6 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि एमपीपी में किस तरह से करप्शन हो रहा है और किस तरह से लोगों को ओवर बिलिंग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंटों के बिल आ रहे हैं। उसमें मैं ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा ये है कि आप लोग इस तरह की हो रही घटनाओं को लेकर के थोड़ा जागरूक रहें कि किस तरह से एमपीपी कि एम्प्लॉयज़ जो काम नहीं करते अपना बराबर, जो करप्टेड एम्प्लॉयज़ होते हैं या बिल्कुल जो बिल्कुल अपने काम के प्रति बिल्कुल ईमानदार नहीं है, और उसकी वजह से आम जनता को जो दिक्कत होती है उसको लेकर के मैं ये वीडियो बनाता रहता हूँ। और जैसा कि मेरा जितनी वीडियो में आपने देखा है कि मेरे घर पर 60,000 का बिल आया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत समस्या हुई थी, और उसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिला कि अब मैं और बाकी लोगों को जागरूक करूँगा, जिनको जैसी प्रॉब्लम मुझे हुई वैसे और किसी दूसरे को प्रॉब्लम ना हो। और मैंने अभी तक जितनी भी जो वीडियो बनाई है, ज़्यादातर जो है वो वीडियो बनाई जितनी भी है वो ओवर बिलिंग के ऊपर ज़्यादा है। किसी को कितना 20,000 का बिल आया, किसी को 30,000 का बिल आया, किसी को 50,000 का बिल आया, तो उस चीज़ के लिए मैं जागरूक करने के लिए मैंने बहुत सोच समझ कर एक ये रीडिंग चार्ट बनाया है। इसको मैं आपको एडिट करके अलग से इस वीडियो में दिखाऊंगा। ये रीडिंग चार्ट जो मैंने बनाया है ये फ़िलहाल मैं अभी 2018 के लिए, अभी मतलब ये इसके अंदर मैंने एक टेबल बनाई है। इस टेबल के अंदर 5 मैंने ब्लॉक दिए हुए हैं और यहाँ नीचे ये 12 महीने की इसमें एंट्री है। पहला जो ब्लॉक है वो पिछली रीडिंग के लिए है, दूसरा जो है वर्तमान रीडिंग के लिए, उसके बाद में वाचन तिथि डली हुई है, और इसके बाद रीडर का नाम और रीडर के हस्ताक्षर। ये बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि आपका यहाँ पर बहुत सी बार ऐसा होता है कि मीटर रीडर जो रहता है वो बराबर से आपकी रीडिंग लेकर के नहीं जाता है, या कब लेकर के जाता है आपको पता भी नहीं चलता है, बाहर से जाता है। ये जो चार्ट मैंने बनाया है इसको आप अपने मीटर, जहाँ पर भी आपका मीटर या तो घर के अंदर लगा हुआ है या घर के बाहर लगा हुआ है, जहाँ पर भी लगा हुआ है उसे मीटर के नीचे चिपका दें। इसमें बाकायदा पूरी एंट्री है कि मतलब उसके बंदे की एंट्री रहेगी कि वो कब आया, कब करके गया। तो इसमें मैंने बहुत सोच समझ करके ये डिज़ाइन किया है कि पिछली रीडिंग, वर्तमान रीडिंग, वाचन तिथि, जिस दिन रीडर आपके घर पर रीडिंग लेने आएगा उस दिन की तारीख, उसके बाद रीडर का नाम, उस बंदे का नाम क्या है जो आपके यहाँ रीडिंग लेकर के गया, उसके बाद में रीडर के हस्ताक्षर। इस चीज़ को बनाने का मेरा उद्देश्य ये है, इससे आपको ये पता चले कि आपके यहाँ प्रॉपर रीडिंग हो रही है कि नहीं। अधिकांश लोगों के ओवर बिलिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो इसी वजह से होती है कि उनको पता ही नहीं चलता है कि उनके इधर रीडर कब रीडिंग लेकर गया, या रीडर रीडिंग ले आया भी या नहीं आया। इस अधिक जानकारी के लिए आप इससे मेरी पहले की वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने 0 रीडिंग के बिल और जो एवरेज रीडिंग, आंकलित रीडिंग के जो बिल आते हैं उसके ऊपर एक मैंने वीडियो बनाई है। अधिक जानकारी के लिए वो वाली वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक ऐड कर दूंगा। और इस चार्ट को आप मेरी वेबसाइट mpbcorruption.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आगे मैं इस तरह की और वीडियो आप लोगों को बना करके बताता रहूँगा, और आप किस तरह से एमपीबी और बाकी ऐसी गवर्नमेंट की संस्थाओं के लिए जागरूक रहें, मैं आगे ऐसी और वीडियो आपके लिए बनाते रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।